सियासत में सेवा का भाव समाहित हो जाए तो जनहित के कार्यों की झड़ी लग जाती है। कोरोना संक्रमण काल में जहां एक तरफ तमाम सामर्थ्यवान लोग अपने घरों में कैद रहे, वहीं घोसी की जनता को कोरोना व बीमारियों से बचाने के लिए घोसी के सांसद अतुल कुमार राय की टीम दिन रात लगी रही। कोरोना संक्रमण काल के पहले दौर से ही सेवा की मिसाल पेश करने वाले सांसद अतुल कुमार राय ने कोरोना की इस दूसरी लहर में 51 दिनों में 25,000 से अधिक लोगों तक मदद पहुंचाई। अब कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए अभी से लोगों की सेवा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पिछले दिनों कोविड मरीजों की सेवा में लगे पैरामेडिकल स्टाफ व टीम को सांसद अतुल कुमार राय की ओर से सम्मानित किया गया। यह युवा बिना डरे लोगों की जीवन बचाने में जुटे रहे। नैनी जेल में रहते हुए भी सांसद अतुल कुमार राय जनसेवा के कार्य में कोई चूक नहीं होने दे रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि गोपाल राय ने बताया कि बीते 51 दिनों से सांसद अतुल कुमार राय की प्रेरणा व निजी सहयोग से सचल अस्पताल रूपी एम्बुलेंस के साथ पैरामेडिकल टीम गांव-गांव पहुंचकर कोविड मरीजों की जांच करने के बाद निःशुल्क दवा किट दे रही थी। दूसरी लहर में 832 ग्राम सभाओं के 23,275 लोगों तक दवा पहुँचाई गई है। इसके साथ ही तीसरी लहर की तैयारियों के साथ टीम में शामिल स्टाफ को पोस्ट कोविड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दिलवाई गई है। तीसरी लहर के वैज्ञानिकों के अनुमान के मुताबिक बच्चों के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व दवा की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर ली गई है। टीम में शामिल वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र व अंग वस्त्र देकर बतौर मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष मोहम्मद तैयब पालकी ने सम्मानित किया। जैसा साथी आप जानते हैं कि जब से कोरोना की लहर इस देश में चल रही है, प्रथम लहर में सांसद जी के आदेश पे जब हम लोगों ने महसूस किया कि राशन की कमी है, हम लोगों ने घर घर जाकर राशन बांटने का काम किया। दूसरी लहर में ये महसूस हुआ हम लोगों को कि ऑक्सीजन और दवा की आवश्यकता है इस देश के लोगों को, तो हम लोगों ने घोसी लोकसभा में सांसद जी के द्वारा पैरामेडिकल स्टाफ का गठन किया गया, जिसमें हमारे 27 अप्रैल से लगातार एक टोल फ्री नंबर जारी हुआ, जिस पे घोसी लोकसभा के लोगों ने कॉल किया और हमारे जो एम्स के डॉक्टर है, एक पैनल जिसका सांसद जी ने गठन कराया था टेलीमेडिसिन सेंटर का, उसके द्वारा ये पैरामेडिकल के स्टाफ जिन लोगों ने भी हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क किया, हम उनके यहाँ निःशुल्क दवा पहुँचाने का काम किए। उसके बाद जब हमें ये महसूस हुआ कि ज़िले में ऑक्सीजन की आवश्यकता है, हमने जिलाधिकारी महोदय को सांसद जी ने लेटर लिखा कि हमें जगह उपलब्ध करा दी जाए, हम अपने पैसे से यहाँ ऑक्सीजन का प्लांट लगाएंगे। लेकिन जब उसमें देर होने लगी, हमें महसूस हुआ, तो हम किंतु परंतु में नहीं गए। हमने तुरंत सांसद जी ने व्यवस्था करके फरक्का से जंबो सिलेंडर दिया, जो हमने यहाँ के सीएमओ महोदय को उपलब्ध कराया। उसके बाद हमें यहाँ के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हरिद्वार राय, उनके थ्रू ये जानकारी हुई कि सरकारी हॉस्पिटल में स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की कमी है। हम लोगों ने तत्काल सीएमएस को दोनों चीज़ें उपलब्ध कराई। उसके बाद हमें लगा कि अभी भी ऑक्सीजन की बहुत इस लोकसभा में कमी है, तो हमने ऑक्सीजन के लंगर लगाने का काम किया। हमने आप लोगों ने देखा है कि हर उस सार्वजनिक जगह पे, चाहे वो किसी कौम का मंदिर हो, मस्जिद हो, देवालय हो, वहाँ पे ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर देने का काम किया। इसके अलावा दीवानी कचहरी में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर देने का काम किया। ये प्रक्रिया हमारी चलती रही, लगातार चलती रही। उसके बाद सांसद जी ने एम्बुलेंस के द्वारा गांव-गांव लोगों तक पहुंचने का काम किया पूरे लोकसभा में। ये 51 दिनों तक हमारा कार्यक्रम चला, जिसमें हम लोगों ने 23,275 लोगों तक निःशुल्क अपना दवा देने का काम किया। और ये घोसी लोकसभा के 12 ब्लॉक 832 गाँव तक हमने पहुँचने का काम किया। ये हमारा कार्यक्रम अभी भी चलता रहेगा, लेकिन उसमें अब हमने एक संशोधन किया है। हम लोग लगातार जिनके यहाँ पहुँचते थे, अब उस तरह ये कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। अब कार्यक्रम होगा कि जो भी हमारे टोल फ्री नंबर पे संपर्क करेगा, उसके यहाँ हमारी एम्बुलेंस पहुँचेगी और उसे हम दवा देने का काम करेंगे।